गुंजन हमारे साथ शॉपिंग करने चलो ना। अब दीदी अभी तो घर में इतना काम है। हाँ हाँ पता है, इस पूरे घर का काम तो तुम ही करती हो ना। रचना तुम चलोगी हमारे साथ? दीदी हम भी इस सब में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम समझ गए। वैसे भी हम हमारी शॉपिंग खुद कर सकते हैं। एक मिनट दीदी, आपकी शॉपिंग 1 घंटे में हो जाएगी? और नहीं तो क्या, बल्कि 1 घंटे से भी पहले हो जाएगी। हमें ना एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है बस। पर पापा की दुकान से नहीं खरीदनी है, और उन्हें बताना भी मत। ठीक है चलिए। आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग बस यूं घर यूं आए। ओके चलो 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 जल्दी। ऑटो ऑटो रुकिए भैया, बड़ा बाजार चल रहा है। गुंजन रक्षा जल्दी चलो। नो उछल कूद, नो जंक फूड, प्रॉमिस करो अपना ध्यान रखोगे। दीदी ऑटो में? और नहीं तो क्या, पैदल जाएंगे तो कितनी देर हो जाएगी, पता है कितनी दूर है। चलो। अच्छा अब भैया प्लीज थोड़ा धीरे चलाना हाँ, और खड्डे वगैरह में थोड़ा बचा कर। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा धीरे चलाना ठीक है। इतने सारे फल क्यों ले आए, इतने महंगे होंगे ये। माँ गुंजन का है, नजर नहीं आ रहा। मयंक बेटा वो पीयू और रचना के साथ खरीदारी करने गई है। अच्छा अच्छा आप कौन सी मार्केट में गई है, और चाचा की कार लेके गई है ना? अरे नहीं वो तो ऑटो में गए हैं दोनों। क्या गुंजन ऑटो में गई है और आप लोगों ने उसे जाने दिया? अरे ऐसा क्या हो गया, ऑटो में तो गई है और हमेशा ऑटो में जाती है, पहली बार थोड़े ना गई है। अरे माँ पहले की बात अलग थी। क्यों आखिर हुआ क्या है मैं? क्या आप लोग जानते नहीं कि बारिश की वजह से रोड कितनी खराब हो गई, कितने गड्ढे हैं। मैं अभी के अभी जाके गुंजन को लेके आ रहा हूँ अभी। ठीक है बेटा वो आ जाएंगे, रचना का फोन आया था। लेकिन बात क्या है? नहीं ताईजी मैं नहीं चाहता कि वो वापस ऑटो में आए, प्लीज। आज हो क्या गया, ऑटो से इतना बैर क्यों है? देखो बेटा गुंजन ने तो हमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारा ऐसा हाल देख के हमें बहुत घबराहट हो रही है। बताओ ना क्या बात है? तुम दोनों सुबह भी बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे थे, देखो तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ बेटा क्या हुआ है? गुंजन के पीठ में दर्द है क्या? उसकी तबीयत खराब है। बेटा चुप क्यों, बोलो ना क्या हुआ है? अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? गुंजन शायद प्रेग्नेंट है। क्या क्या कहा तुमने? अभी प्रेगनेंसी कंफर्म भी नहीं हुई और माइक ने सबको बता भी दिया। हे भगवान, अरे अरे तुम रुक क्यों गई, ढोलक बजाओ ना, चुप क्यों हो गई? अरे जोर जोर से बजाना, हम दादी बनने वाले हैं। अरे पीट पीट के बजाओ। डोंट माइंड गुंजन, लेकिन अब सबको बता दो, छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ताकि सब लोग खुशियां मना सके। लाओ। लो भाई मुंह मीठा करो होने वाली दादी। हम तो दादी बन गए, लेकिन आप भी तो नानी बन गई। आपको भी बधाई हो, बहुत सारी।
एक मिनट, आप लोग नानी दादी के सपने देखने से पहले एक बार मुझे टेस्ट तो करवा लेने दीजिए। अरे छोड़ो बेटा, जब जब औरत पेट से होती है ना, उसे खुद ब खुद पता लग जाता है। याद है ना दीदी, मयंक के समय पर ना हमने कोई टेस्ट कराया, ना कोई चेकअप कराया, बस हमने आपको आकर बता दिया था ऐसे ही। सब याद है। अच्छा सुनो, तुम्हें उल्टी होती है और खट्टा खाने का मन करता है? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल करता है। उस दिन 4 प्लेट गोलगप्पे खाए, पूछो। अरे बेटा, जब बिना वजह उल्टी आए खट्टा खाने का मन करे तो इसका मतलब क्या होता है? यही कि तुम मम्मी बनने वाली हो। अरे कैसी छीना झपटी कर रही हो? अरे हमें थोड़े से पैसे चाहिए, दो ना। सुबह सुबह तो पैसे दिए थे तुम्हें। क्या अभी? अरे कितने कंजूस दादाजी हैं। दादाजी हम कैसे? अरे तुम दादा बनने वाले हो प्रभु। क्या? अरे इसका मतलब तो हमारा प्रमोशन हो गया। गुंजन बेटा ये लो। लेकिन पापा जी अभी वो। अरे रखो बेटा, हम रोज थोड़ी दादा बनते। अब मैं एक मिनट में आऊँ क्या? हाँ बेटा जाओ, जाकर आराम करो, ऐसे समय में आराम करना चाहिए। रियली सॉरी। देखो गुंजन, मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मुझे पता लगा कि तुम ऑटो से आ रही हो तो मैं बहुत टेंशन में आ गया और मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मयंक। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक न्यूज कन्फर्म नहीं होती किसी को कुछ मत बताना, फिर भी तुमने बता दिया। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने मेरी गलती मान ली बस। और वैसे भी घर वाले ही तो है, कोई पराए थोड़ी ना है। छोड़ो ना मयंक, बात अपने पराए की नहीं है। तुमने देखा ना कैसे ये खबर सुनते ही सब लोग सेलिब्रेट करने लगे, सबको कितनी उम्मीदें हैं। और मान लो कि अगर मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई तो सबका दिल टूट जाएगा मयंक, सब कितने दुखी हो जाएंगे। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुमने देखा ना आयु को लेकर ही सब लोग घर में कितने दीवाने हो गए। और सोचो हमारा बच्चा होगा तो सब लोग क्या करेंगे? I'm dead sure. अब तक तो सब लोगों ने बच्चों के नाम तक सोचने शुरू कर दिए होंगे। गुंजन बेटा, एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम होगा माधव और अगर लड़की हुई तो मोहिका। अब प्लीज माँ, देखो मैंने आपसे कहा ना अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या पता? बड़े आए नए नए पापा। अरे हमारी कुंजन जानती है ना कि वो पेट से है ना बेटा? तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी। ये क्या है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, चेक करने के लिए। आए हाय, इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे नए नए जमाने का फैशन, अब इससे क्या होता है? एक बार रचना की सगाई निपट जाने दो, फिर हम तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? अब ये कहां से लिया है? वो बगल वाले केमिस्ट से? जी। अब लाओ हमें दे दो, हम उसे लौटा देंगे। अरे ये लो फल, एकदम ताजे हैं, तुम इन्हें खाओ और उसके बाद खूब आराम करना। और हाँ, घूमना फिरना तो बिल्कुल नहीं, समझ गए ना बेटा? मम्मी वो अभी तक लहंगा लेकर नहीं आए। अरे वाह रचना, देखो तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग कितना गहरा रचा है। देखना बेटी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। करेंगे नहीं, हमें पक्का पता है करते हैं। क्यों रचना? वैसे तुम्हारे सैया जी ने फोन किया कि नहीं? हाँ? कब तशरीफ ला रहे हैं?
वो मम्मी हमारा फोन ऑफ था, बैटरी लो थी, तो अगर उनका कॉल आया भी होगा तो मिला नहीं। कोई बात नहीं, हम मौसी जी से पूछ लेंगे, उन्हें तो पता ही होगा। लेकिन अभी बहुत देर नहीं हो गई है मम्मी? मुझे बहुत बोर हो रहा है, प्लीज मुझे कोई काम दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, जाकर आराम करो, ऐसे समय पर कोई काम नहीं। मौसी माँ, मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ। कहा ना, नहीं नहीं तो नहीं। सूजी का हलवा है, मैं खाऊं थोड़ा सा? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो बनाया है। तुम्हें मीठा खाने का मन कर रहा है ना, देखना जरूर लड़का हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी बस। रचना, तुम्हारा लहंगा सिलकर आ गया। क्या, हमारा लहंगा? कितनी सुंदर लग रही है, एकदम शैल दीदी आप जैसी दिख रही है। अच्छा। क्या बात है रचना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, एक डिजाइनर को कभी किसी दूसरे डिजाइनर के कपड़े अच्छे लगे? लेकिन एक बात कहें सच सच, ये कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में। अच्छा मम्मी, हम चेंज करके आते हैं। अच्छा बेटा, तुम यहीं बैठो, हम देखते हैं। तुम्हारे पापा का फोन है, हम बात करते हैं। अब मम्मी जी, अरे बेटा तुम मत उठो, बैठे रहो, हम बात कर लेते हैं ना। मम्मी जी प्लीज, पापा से प्लीज अभी कुछ मत कहना, एक बार मैं डॉक्टर को दिखा दूं, अब फिर कह देना। हाँ सीमा, गुंजन बिल्कुल ठीक कह रही, उन्हें हम बाद में बताएंगे ना। ठीक है। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसी हो? क्या बात है, आपकी आवाज ऐसी धीमे से क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, डोंट वरी, बस थोड़ी सी खांसी है। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं इंडिया आ गया हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ पापा, आप जल्दी आइए, बहुत जल्दी। ओके बाय। मम्मी जी, मौसी माँ, पापा इंडिया में ही है। बात कर रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, आज एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। हाँ, आज का दिन बहुत शुभ है दीदी। पता नहीं हमारी गुड न्यूज कब आएगी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू
आपका फोन नहीं आता हम सोएंगे नहीं केटी। प्लीज जल्दी से आ जाइए ना, कल हमारी सगाई और आपकी कोई खबर नहीं है। अब कैसे हैं, कहाँ हैं, कब तक लौटेंगी, कुछ भी नहीं। देखना हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे आपसे। बात नहीं करोगी तो झगड़ा कैसे करोगी रचना? तुम भी ना इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे केटी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आ जाएंगे। और हाँ, अगर वहां किसी फ्रेंच लड़की ने उन्हें फंसा लिया हो तो पता नहीं। प्लीज गुंजन, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि प्रेग्नेंट औरतों को मारना अलाउड नहीं है। तुम भी रचना, प्रेगनेंसी का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जब तक मैं डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा लेती ना, मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम तो खुश हो ना? नर्वस हूँ और बहुत कंफ्यूज हूँ रचना, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या फील करूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ला फोन दो और तुम सो जाओ और रोमांस के सुहाने सपने देखो। बाकी सबके लिए तो मैं हूँ ही, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। सो जाओ, गुड नाइट, बाय। अरे फोन तो दो। ये लो। नन्हे का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे रचना तुम? आई बेटा? बस अभी आई दादी, मंदिर से आ रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलके जाए। अब तक केटी? नहीं बेटा, अभी नन्हे नहीं आया, पर आ जाएगा, चिंता क्यों करती हो तुम? से ये आंसू नहीं देखे जाते, इससे तो अच्छा है कि हम रचना से झूठ ही कहते। दादी हम चलते हैं। अरे अरे सुनो तो, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले नन्हे से हमारी बात हुई। क्या आपने उनसे बात की? हाँ? क्या कहा उन्होंने? वो कैसे है, कब तक आने वाले हैं? हमें क्यों नहीं फोन किया लेकिन? और दादी, अरे बाप रे, इतने सारे सवाल इकट्ठे, ये सब उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि वो फ्लाइट पकड़ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुँह खोलो फटाफट। मम्मी जी बस कितना खिलाएंगे आप? अरे खा लो बेटा, ज्यादा नखरे मत करो। अब क्या है ना कि तुम एक के लिए नहीं दो के लिए खा रही हो ना, खाओ। हाँ डोंट माइंड, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे तो तुम मेरे जैसी हो जाओगी, गोलमोल। नहीं नहीं सीमा दीदी अब आप जाइए, बहुत अच्छा फेशियल करती है। भूत भूत भूत। अरे डोलो चुप, भूत हम नहीं तुम होगे। क्या जी बोलिए ना उसे, देखिए भूत कह रहा है हमें, दो थप्पड़ लगा देंगे हम अभी उसे। अरे भाई उसके पीछे क्यों पड़ी हो, सही तो कह रहा है वो। क्या अब दोनों बाप बेटा ना बिल्कुल एक जैसे। शैल? हाँ? रचना कहाँ है? अब वो मंदिर गई है, आती होगी। और नन्हे आया कि नहीं? नहीं, लेकिन उसने रचना से फोन पर बात की है और कंप्यूटर पे वो क्या कहते हैं ईमेल करते रहता है। उससे क्या होता है शैल, 8 बजे का मुहूर्त है और नन्हे अभी तक नहीं आए। चाह कर भी ऐसे लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
आखिर कोई ना कोई असर तो होगा ही ना उसकी मां का उस पर। देखो सर, हम साफ साफ कह देते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी रचना के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा होगा। और हम नहीं चाहते शैल कि हमारी बेटी फिर से वही जिल्लत सहे।